ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग साई मॉर्निंग। जिसका साई होता है उसे ना तो अपने वर्तमान की चिंता होती है और ना ही अपने भविष्य की। जिसे अपने मालिक पर अटूट विश्वास होता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर मैं डगमगाऊंगा ना तो मुझे संभालने वाला बैठा है। मेरी नैया अगर डूबने लग जाएगी ना तो उसे बचाने वाला बैठा है। और ये विश्वास ही आपको आगे तक ले जाता है। वरना हमारे अंदर कौन सी काबिलियत है? हम तो कुछ नहीं कर सकते, जो करता है हमारा बाबा करता है। तो आप लोग अपनी लाइफ में कभी भी कोई काम करें तो यही कहें कि मेरे साईं ने किया है। अपने मालिक को श्रेय दीजिए, क्योंकि हमारे बस में कुछ नहीं है, सब वही करते हैं, अच्छे कार्य वही करते हैं। नहीं तो कुछ लोग तो आज भी अपनी लाइफ से बहुत परेशान हैं, और उनमें से कहीं हम हैं जो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। ये तब पता लगता है जब आप अपने से नीचे स्तर वाले को देखते हो ना, जो आपसे ज़्यादा दुखी है, तब आपको पता लगता है कि यार वो तो कितना दुखी है, मैं तो फिर भी अच्छा हूँ। जब आप अपने से ऊपर वाले को देखोगे तो आप अपने आप को दुखी पाओगे, लेकिन जब आप अपने से नीचे वाले को देखोगे ना, नीचे वाला मतलब जो आपसे ज़्यादा परेशान है, फिर आप सोचोगे अरे मैं तो फिर भी कितना ठीक हूँ। इसी प्रकार आपके दुखों का अंत होगा, नहीं तो ऐसे तो कभी भी आप निकल ही नहीं पाओगे बाहर, डिप्रेशन में चले जाओगे। और डिप्रेशन में जाना बहुत गलत है, हम नहीं जाना ही, हम जाएंगे ही नहीं। हम अपने आप को पहले से कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास साईनाथ भी है और हमारे पास खुद की बुद्धि भी बाबा ने दे रखी है, जिससे हम अच्छे तरीके से सोच समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही खूबसूरत दिन है, बहुत ही अच्छा कुछ होने वाला है, हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। जिस बात की, जिस चीज़ की हमें तमन्ना थी वो बहुत जल्दी मिल जाएगी और कंप्लीट भी हो जाएगी बाबा के आशीर्वाद से। तो चलिए आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। मालिक सब पर दया करें। आज की प्रार्थना में बाबा जो भी नाम आए हों, जो भी जिंदगियां हों, जो भी परिवार हैं, जो भी सदस्य हैं, उनकी श्रद्धा की लाज रखना। और आपके श्री चरणों में बैठकर हम अरदास करते हैं, अर्जी करते हैं बाबा, हमारी प्रार्थना को कबूल करना, हम सब पर दया दृष्टि बनाकर रखना। हम साईं के हैं, साईं के थे और साईं के ही रहेंगे। बाबा हमें कभी भी अपने चरणों से दूर ना करना। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना, समझाना, लेकिन रूठना नहीं। बाबा हमें तो एकमात्र आपका ही सहारा है, आपके सहारे से ही तो हम जीते हैं, हमारी ज़िंदगी आपके भरोसे चलती है। तो हे मेरे बाबा, हम सभी पर कृपा करना, और जो गलतियाँ हमसे जाने अनजाने में हो जाती हैं उन्हें माफ़ कीजिएगा अपना बच्चा समझकर, और आगे से हम कोई गलती ना करें ऐसी हम कोशिश करेंगे। हमें संभालना, हमें सद्बुद्धि देना, हमारे घर परिवार पर अपनी कृपा रखना। तो आइए आज की प्रार्थना में नाम लेते हैं। सारांश मारवी जी, मोनीमाला बोरा जी, दीपक जी, शिवानी भंडारी जी, बच्ची समृद्धि, सुनीता मारवानी जी, मदान अंकल जी, प्रतीक निवासी जी, विवेक कुमार सिंह जी, बच्ची हुनरप्रीत एंड निशा सक्सेना आंटी जी, एंड ऑल फैमिलीज। हे बाबा मेरे पूरे परिवार को स्वस्थ रखना। हमारे परिवार का एक सदस्य मन्नू बाबा, उसकी भी तबीयत अच्छी नहीं है, उस पर भी कृपा करना कि वो जल्दी से वापस आए और अपने काम पर लगे, और बहुत ही जल्दी उसका हर जो भी प्रॉब्लम है बाबा वो सॉल्व हो जाए। और इस वक्त मैंने जिन लोगों के लिए प्रार्थना की है, मेरी श्रद्धा की लाज रखना, मुझ पर रहम करना, दया करना, और जिनकी सेहत अच्छी नहीं है बाबा उन पर भी कृपा करना, उनकी सेहत जल्दी से अच्छी हो जाए। और अगर आप भी अपनी सेहत को जल्दी अच्छा करना चाहते हो ना, तो विश्वास के साथ उदी लेना, उदी थोड़ी सी ज़्यादा लेना, तो उदी को लेकर के सबसे पहले 11 वचनों के बाद अपने मस्तक पर लगाना, और उसके बाद उसे जल में मिलाकर पी लेना, पूरे भरोसे के साथ पीना, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चिंता की बात नहीं है, विश्वास की बात है। ओके, विश्वास कीजिएगा, जल्दी ही फ़र्क पड़ेगा आपको। और हो सके तो श्री साईं कष्ट निवारण का पाठ कीजिएगा, साईं बावनी का पाठ कीजिएगा। ठीक है, समय मिले तो ज़रूर कीजिएगा, और श्री साईं सच्चरित्र का अध्ययन कीजिए, साईं दया करेंगे। और नहीं है वक्त तो 11 वचन पढ़िए।
बहुत जल्दी हो जाते हैं और आपको विश्वास के साथ पढ़ोगे तो आपको उसका परिणाम भी मिलेगा और आप पर कृपा भी होगी। तो आइए अब जन्मदिन की बारी है, जिनका भी जन्मदिन है आज उस तरफ को चलते हैं। तो सबसे पहले जन्मदिन है सारांश मारवी जी का। सारांश जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक आपको सदैव हैप्पी हेल्दी रखे, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां आएँ और हमेशा बाबा की कृपा आप पर बरसती रहे, आपकी हर विश पूरी हो। और शिवानी भंडारी जी का बर्थडे है। शिवानी जी, आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस करें, आपकी हर विश पूरी हो, बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आपके माता पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आपकी फैमिली में हमेशा खुशियां बनी रहें, मेरी बाबा से प्रार्थना है। बच्ची समृद्धि का बर्थडे है बाबा। बच्ची समृद्धि पर कृपा करना, रहम करना कि बच्ची बहुत बहुत अच्छी एक नेक इंसान बने और बहुत पढ़ लिख कर एक अपने माता पिता के सपने को और अपने सपने को साकार करे और बच्चे की हर विश पूरी हो और खूब नाम करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे, माता पिता का नाम रोशन करे, यही आपके चरणों में प्रार्थना है बाबा। और प्रतीक निवासी जी का बर्थडे है। प्रतीक जी, आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मालिक आप पर भी दया बनाकर रखे, बाबा का आशीर्वाद बना रहे, अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस करें और साईनाथ की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे, मेरी बाबा से यही प्रार्थना है और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्ची हुनरप्रीत का बर्थडे है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि बच्चे का नाम ही बड़ा प्यारा है, तो बच्चे को और बच्चे के माता पिता को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार बच्चे का नाम है, उसके अंदर मालिक और हुनर भरे और जहाँ भी जाए वहाँ प्रीत ही प्रीत हो, सबसे प्रीत हो, सबसे ज़्यादा साई से प्रीत हो, मेरी बाबा से प्रार्थना है और लाइफ में बहुत सक्सेस करे, बहुत आगे बढ़े, अपनी लाइफ में अपने माता पिता का, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करे, मालिक इसको बहुत सक्सेस दें, मेरी बाबा से प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे बच्चे, आप बहुत तरक्की करो। और निशा सक्सेना आंटी जी का बर्थडे है। आंटी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं आपकी डेली कमेंट्स पढ़ती हूँ। आपका इतना ज़्यादा प्यार होता है कमेंट्स में कि दिल से दुआ निकलती है कि मालिक हमारे आंटी जी को हमेशा खुश रखना, हैप्पी रखना, हेल्दी रखना। और आज के दिन आपको सबसे पहले आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएँ। बाबा आपकी उम्र बहुत बहुत लंबी करे और जितनी लंबी उम्र हो उतनी ज़्यादा खुशियाँ हो, उतना ज़्यादा ही आपकी हर विश पूरी होती रहे, मेरी बाबा से प्रार्थना है। आपके परिवार में खुशियाँ बनी रहें, आपका हर सपना पूरा हो, बाबा से मेरी यही प्रार्थना है। थैंक यू सो मच आंटी जी एंड हैप्पी बर्थडे। तो जिनका और भी जन्मदिन है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ और ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा मुझ पर भी, क्योंकि मुझे भी आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच बाबा जी हमारी पुकार को सुनने के लिए। तो आइए अब हम बाबा के 11 वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, और जिन्हें नहीं आते ना आप सुन लीजिए, सुनना भी बहुत 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 ज़्यादा लाभदायक होता है साईं भक्तों के लिए। श्रवण करना भी पढ़ने के बराबर है, ठीक है, अगर आप सुनते हैं ना उतना ही फल मिलता है आपको। तो चलिए अभी 11 वचन पढ़ते हैं। जो शेडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, साईनाथ आप पर कृपा करें, आपकी हर विश पूरी हो। ओम साईराम, जय साईराम।